अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ आफ्ताब अशरफ फ्रॉम 92 वाज। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की एंड्रॉयड 10 की अपडेट के हवाले से बताऊंगा। इस मोबाइल को आज सुबह ही एंड्रॉयड 10 की अपडेट जो है मिल चुकी है। जी हाँ, इस मोबाइल को एंड्रॉयड 10 की अपडेट मिल चुकी है और आपको मैं इस अपडेट के हवाले से भी बताऊँगा कि इस अपडेट में आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई। और दूसरा ये मैं आपको बताऊँगा कि ये अपडेट करने के बाद आपको जो है कोई लैग्स वगैरह या कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करना पड़ रही। इसका एक क्विक रिव्यू भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको आपकी तमाम क्यूरीज जो हैं इसमें सॉल्व हो सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट के हवाले से बात करते हैं। ये अपडेट जो है आज सुबह 5 से 6 बजे के करीब आई है पाकिस्तान में, और इंडिया में कुछ दिन पहले आ चुकी थी अपडेट इसी हवाले से एंड्रॉयड 10 की और वन यू आई 2 की। तो अभी पाकिस्तान में भी ये अपडेट जो है ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है और डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं, उधर सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करें और उधर उसके बाद आपने डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना है। उधर आपको ये अपडेट मैनुअली मिल जाएगी। और ये अपडेट के हवाले से बात करें तो इस अपडेट में आप देख सकते हैं 1896.89 MB का ये सॉफ्टवेयर है, 1896.89 MB का ये सॉफ्टवेयर है और ये 1 December 2019 के सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ आया है। और इस सॉफ्टवेयर में आपको एंड्रॉयड का 10 और सैमसंग का वन यू आई 2 जो है ऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम इसके क्विक रिव्यू की तरफ आ जाते हैं। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको स्पीड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील होगी और ये इंस्टॉलेशन के बाद की चीज़ें हैं। मैं आपको कन्फर्मली बता सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको जो है मिलेंगी और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करना पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें, इनके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रही है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताकर इन्फॉर्म कीजिए। स्पीड जो है इसकी, उसको फास्टर कर दिया गया है, वो काफ़ी आपको फास्ट फील होगी। उसके बाद जो इसकी बैटरी कंजप्शन है उसको काफ़ी बेहतर बनाया गया है, मतलब कि इसकी बैटरी टाइमिंग काफ़ी पहले से बेहतर हो गई है। इसके अलावा जो है इसका रैम लोड जो है उसको काफ़ी कम कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें प्रोसेसर जो है उसके लोड को भी कम कर दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका मोबाइल जो है पहले से बेहतर फील होगा। इसमें रैम लोड भी कम हो जाएगा और प्रोसेसर भी जो है उसके लोड को भी कम कर दिया गया है। और आखिर में जो है मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये एक एंड्रॉयड की लेटेस्ट और बिग अपडेट है। तो ये अपडेट आप भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड 10 की अपडेट है और गैलेक्सी नोट 9 को ये अपडेट मिल चुकी है ऑफिशियली। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस अपडेट को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।